हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज दिनांक 7 अगस्त 2021। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें BTU UP ने अपनी एग्जाम डेट शीट लॉन्च कर दी है और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर तीनों का एक साथ प्रपोज्ड एग्जाम डेट शीट बता दी है। ठीक है, खैर हमारे लिए भी थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि एक तरफ ये बोर्ड आपको प्रमोट करने की बात करता है, मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करता है जिसमें उस चीज़ को समर्थन देता है कि हम आपको ये करने वाले हैं, और फिर सडनली डेट शीट निकाल देता है। ठीक है, आपका सेशन भी लेट हो चुका है और जिस हिसाब से डेट शीट आई है हिसाब से सेशन अब और लेट होना है क्योंकि सितंबर, आधा सितंबर आपका बीत जाएगा यही सब करते करते, उसके बाद आपका नया सेशन अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारी भी थोड़ा सा समझ के ऊपर है कि ये क्यों किया जा रहा है, बट अब जैसा है हम आपको सही सही बता रहे हैं कि आपकी डेट शीट आ चुकी है और उस डेट शीट के बारे में आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलते हैं सीधे वीडियो पे। ये BTU UP की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ, और आज ही इस पे अपडेट हुआ है प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगस्त 2021 एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फाइनल सिस्टम ये एनुअल वालों के लिए, ठीक, ये सेमेस्टर वालों के लिए प्रपोज्ड एग्जामिनेशन और प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर फोर्थ सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर हम इनको खोलते हैं, देखिए पहले चलिए फाइनल ईयर को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रही है क्योंकि इस पर एकदम से इतना ज़्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट की तरफ मूव कर गया कि वेबसाइट एकदम से हैंग करने लगी। तो चलिए पहला पेज खुल रहा है, देखिए ये आपका है फाइनल सेमेस्टर का, ठीक है, सिक्स सेमेस्टर का। तो सिक्स सेमेस्टर का देख लेते हैं। स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे डेट दे रखी है 4/8/2021, ठीक है, मतलब आज ही की डेट से ये अपडेट हुआ है, तीन दिन पहले का अपडेटेड डेट है इसमें। और प्रपोज एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर फाइनल सेमेस्टर अगस्त 2021, ठीक, तो ये कन्फर्म है। इसके बाद नीचे चलते हैं, हम अपनी मेन कोर ब्रांचेस को देखते हैं। तो अभी तो PGD वाली ब्रांचेस चल रही हैं। नीचे चलते हैं, 322 सिविल का कोड है, ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 321 केमिकल, 322 सिविल, तो यहाँ पर कंफर्म है 322 सिविल, सेमेस्टर सिक्स, सब्जेक्ट्स के नाम आप पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, CMAED, प्लम्बिंग सर्विसेज, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। इनका 17/18 को है, CMAED का 17 को है, प्लम्बिंग और रिपेयर का 18 को है, ठीक है। एक है 11:30 से 1:30 और 2 से 3:30। इससे एक चीज़ तो कंफर्म होती है, पेपर 1.5 घंटे का है, इसका मतलब एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला पेपर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो कि 20 तारीख को है 11 से 1। उसके बाद अगला है QSV क्वान्टिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, ये 11:30 से 1। फिर स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग 9 से 10:30 और स्ट्रक्चर एनालिसिस 9 से 10:30, ठीक है। तो आपके एग्जाम 17 से शुरू होंगे सिविल फाइनल ईयर के और 24 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सभी एग्जाम्स 1.5 घंटे के ही हैं और 1.5 घंटे में ये ऑनलाइन ही लेंगे सारे एग्जाम्स, तो ये क्लियर है, ठीक है। तो 322 कोड का आपने देख लिया कि 322 कोड के एग्जाम्स कब से स्टार्ट हैं और कब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगली ब्रांच का देखते हैं, 328। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका भी दे रखा है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन 2, ठीक है, डेट है 18/8 9:00 से 10:30 बजे तक। अगला दे रखा है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये है 20 तारीख को 9 से 10:30 और UEE आपका है 24 तारीख को 2 से 3:30, ठीक है। तो कोर ब्रांचेस का मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेट शीट में आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेसिक बेसिक जो ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ जो कन्फर्म है कि आपके एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कहाँ दिया, मैकेनिकल का 3, इलेक्ट्रॉनिक्स का पहले देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3:30 पे होगा ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 3:30 सिक्स सेमेस्टर। इनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं सब 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से 3:30, 2 से 3:30। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्टिव है, ये 18 को है। तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम 20 को है, माइक्रोवेव रडार इंजीनियरिंग 21 को है और वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम 23 तारीख को है, ठीक है। तो 11 शुरू हो गए, 17 को खत्म है इलेक्ट्रॉनिक्स के। आगे देख लेते हैं मैकेनिकल 341, मैकेनिकल 341 ये रहा, ठीक है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का 341 कोड है और देखिए सिक्स सेमेस्टर। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस 17 तारीख को 11:30 से 1, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 20 तारीख को 2 से 3:30, MMI 11:30 से 1 और CNC 11:30 से 1, ठीक है। तो आपके भी 17 से शुरू हैं, 24 को ख़त्म है, एज पर सब्जेक्ट जितने जितने उस हिसाब से आपके दिन वेरी करवाए गए, बीच में गैप दिया गया, सिविल वालों को गैप कम दिया गया, आपके सब्जेक्ट्स कम है इसलिए आपको गैप दे दिया गया बीच में, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट सारे हो गए, आप बाकी ब्रांचेस देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और इसके बाद मैकेनिकल प्रोडक्शन, आपके 20 से स्टार्ट है, 21, 22, 21, 23, 24, 4 दिन में आपके ख़त्म है। इंडस्ट्रियल, टूल, MMI और CNC 2 से 3:30 है आपका इंडस्ट्रियल, आपका फिर 21 तारीख को है टूल 2 से 3:30, 23 तारीख को है MMI 11:30 से 1
और 24 तारीख को है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन 11:30 से 1। ठीक है, तो कोर ब्रांचेस मेन में मैंने फाइनल सेमेस्टर के आपको दिखा दिए, इसके अलावा डेट शीट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ लोगों का चैनल नहीं खुलता है कभी कभी, टेलीग्राम चैनल ओपन होने में दिक्कत होती है, तो उनका एक सजेशन है वो लोग लिंक को अपने क्रोम में पेस्ट करने जाके और पेस्ट करने के बाद ओपन करें तो वो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला, इसके बाद अगला देख लेते हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का। वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रही है आज, और इससे एक चीज़ तो देखिए कन्फर्म है कि अब बोर्ड आपके एग्जाम्स कराने का पूरा मन बना चुका है, वो भी तीनों सेमेस्टर, तीनों सालों का। ठीक है, किसी भी साल को वो छोड़ नहीं रहा है, सबके एग्जाम्स कराएगा। ठीक, ये वेबसाइट स्लो डाउन हो गई है ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से। वैसे ऑफलाइन डेट शीट मैंने डाउनलोड कर रखी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन ही दिखा दूँ ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना आए। तो सर ये आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट, सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है ये। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर चल रहा है अभी, मैं आगे बढ़ाता हूँ। 322 कोर्स सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं, तो ये 320 केमिकल, 321 केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक, और 322 सिविल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर सबका दे रखा है, टोटल पूरे का दे दिया है। ठीक, तो सेमेस्टर सेकंड अप्लाइड मैकेनिक्स आपका है 2 तारीख को, ठीक है, यानी कि 2 सितंबर को 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो एक राहत की बात यह है कि सेकेंड ईयर और सॉरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों को टाइम दे दिया गया अच्छा खासा। आपका अभी एग्जाम 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और फर्स्ट ईयर वालों का 2 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा जाके ये 13 तारीख को। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर वालों का स्टार्ट होगा 3 तारीख को, ठीक है, और ख़त्म होगा 5, 6, 7, 8, 9, 14 तारीख को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपने सारे जैसे सब्जेक्ट्स आपके अप्लाइड मैकेनिक्स बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल BME EE, इसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो ये तीन आपके 2 तारीख, 3 तारीख और 13 तारीख, गैप काफ़ी ज़्यादा है बीच में, और तीन एग्जाम्स में आपका खत्म हो गया। और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे देख लें, हाईवे इंजीनियरिंग, RCC ड्राइंग, RCC स्ट्रक्चर्स, और इसके अलावा सर्वे फर्स्ट, इरीगेशन, कम्युनिकेशन स्किल, एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपका 3 तारीख से शुरू होगा, 14 तारीख को ख़त्म होगा। सारे एग्जाम्स आपके 1.5 घंटे के हैं, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 322 के बाद 328। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ये आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर ये रहा ऊपर, ठीक, इसके बाद नीचे आया है फोर्थ सेमेस्टर का। तो अपन डेट शीट पॉज करके देख सकते हैं कि 2 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट, सॉरी 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है और ख़त्म हो रहा है जाके ये 13 तारीख को। ठीक है, सभी वही 1.5 घंटे के एग्जाम्स हैं, आप पॉज करके इनको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्टिव भी हैं, तो थोड़ा अपने हिसाब से समझ लीजिएगा जो आपकी ब्रांच में एप्लीकेबल हो, सारे आपके लिए नहीं है, वो कॉमन डेट शीट निकाली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख लें, फोर्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, ये आपका 1 तारीख को है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 को है। नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन 7 तारीख को है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट 8 तारीख को है। कम्युनिकेशन स्किल 12 तारीख को है। और एनर्जी कंजर्वेशन 14 को है। ठीक है, तो सेकंड फोर्थ सेमेस्टर वाले सेकंड ईयर के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के, और फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1, 9 तारीख को। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस 10 तारीख को। अप्लाइड फिजिक्स 11 तारीख को। और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपकी है 13 तारीख को। ठीक है, सारे एग्जाम्स 1.5 घंटे के हैं। और आगे देख लेते हैं थोड़ा, 341 मैकेनिकल वाले, ये रहा 341 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, आप पॉज करके देख सकते हैं, आपके 1 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, और ख़त्म हो रहे हैं आपके 13 सितंबर को। वही सारे 1.5 घंटे के एग्जाम्स हैं, जनरल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के भी आ गए, आपके भी 1 तारीख से स्टार्ट हैं और 14 तारीख को ख़त्म है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी डेट शीट में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं अगर वेबसाइट इन केस ना खुल रही हो तो। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बोर्ड ने आपके एग्जाम्स कराने का पूरा मन बना लिया है, अब हर हाल में आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। सेशन आपका ऑलरेडी लेट हो चुका है, बट अब और लेट होगा, क्योंकि इस हिसाब से अगर होगा तो सेशन ये सितंबर के मिड तक खिंचेगा हर हाल में। एग्जाम से पहले तो कॉलेज खोलने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो कुछ चीज़ें हैं जो कि अब तक निकल के आ रही थी, परंतु उस पर सबको विराम लगाते हुए बोर्ड ने एक नई चीज़ स्टार्ट की और उन्होंने एग्जाम्स कराने का डिसीजन लिया। तो जैसा भी है, आगे हम इसकी तैयारी आपकी अच्छे से अच्छी कराने की कोशिश करेंगे। हम भी क्लासेस जो हमने एग्जाम्स की डेट कंफर्म ना होने के कारण सिलेबस पूरा करा के रोक दी थी कहीं कहीं पे, कि अब एग्जाम से बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो अब हम उसको फिर से रिज्यूम करेंगे ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकें। तो अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांचेस के इनमें से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तीनों साल में से किसी भी साल के हों तो आप जुड़ सकते हैं। हम कोर्स सब्जेक्ट्स आपको फ्री में विद PDF अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लें, एक ट्वीट जो कुछ दिन पहले से वायरल हो रहा है, ये रहा, ठीक है, जिसमें आलोक कुमार जी के एक ट्वीट को बार बार ये बोला, वैसे तो बोर्ड ने भी इसको अपनी ट्विटर पर डाल दिया है, पर कुछ छात्र अभी मुझसे पूछ रहे थे, और जिन्होंने नहीं देखा वो जान ले कि इसमें ऑफलाइन एग्जाम लेने की बात की गई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑफलाइन विधि से एग्जाम परीक्षा लेना सुनिश्चित किया गया। ठीक है,
ये ट्वीट पूरी तरह से फर्जी है, इसके लिए परेशान ना हो। इसमें जो लैंग्वेज लिखी है वो गलत है, पदोन्नति नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, पर प्रोन्नत होता है, पदोन्नति नहीं होता, पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके के ट्वीट्स पर मत ध्यान दें, आपके एग्जाम्स ऑनलाइन ही होंगे, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक। तो डेट शीट आपने देख ली होगी, आई थिंक आपको सब कन्फर्म हो गया होगा कि एग्जाम्स कैसे हैं। तो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने भी पढ़ाई को रोक दिया था किसी वजह से, या जो अगले सेमेस्टर की तैयारी करने लगे थे, देखिए स्टूडेंट हमें भी जो न्यूज़ मिलती है हम उसी को आगे कन्वे करते हैं। आज एकदम से बोर्ड ने एक नई चीज़ फिर से बताई, तो हमने जैसा था वैसा ही आपको कन्वे किया, आगे भी जैसा होगा हम वैसा ही कन्वे करेंगे, हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते, ठीक है। पहले आपको प्रमोट करने की बात कही जा रही थी तो हमने वो बताई, अब आपके एग्जाम्स की डेट शीट एकदम से आ गई तो हमने आपको ये बताया, ठीक है। तो अगर चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं अधिक से अधिक बच्चे, ताकि हमें भी पढ़ाते समय मोटिवेशन मिले और आपको भी पढ़ते हुए अच्छा लगे। क्योंकि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों कोर ब्रांचेस को पढ़ाने वाला कोई भी चैनल नहीं है जो आपको फ्री में पढ़ा रहा हो और विद पीडीएफ आपको सारा डेटा दे रहा हो, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।